हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल बाय मनीषा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है मीशो से। जैसे कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे में कपड़े तो हम खरीदते हैं, साथ में ज्वेलरी भी कंपलसरी हो जाता है। तो आज का हॉल होने वाला है मीशो ज्वेलरी हॉल, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैंगल, इयर रिंग्स, नेकलेस, रिंग्स। तो आज का हॉल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे क्लोथिंग, ब्यूटी एंड ज्वेलरी हॉल आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ये सब देखने में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा मीशो ज्वेलरी हॉल। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल 5 इयररिंग्स ऑर्डर किए थे, एक इतना ज्यादा लेट है कि अभी तक नहीं आया, और एक मेरी पार्सल कहाँ गुम हो गई है वो मिल ही नहीं रही है। उसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा ऑक्सीडाइज ब्रासलेट ऑर्डर किया था, वो मैं अपने फोन में चेक कर पा रही हूँ कि वो डिलीवर्ड है, बट वो पार्सल मुझे मिल नहीं रहा है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इयररिंग्स से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी इयररिंग्स, अभी जो मैंने वियर किया है वो भी मीशो का ही है। तो पहले आप यही देख लो, मारून कलर में है। एक मिनट में आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। आउच, बहुत ही हेवी सा कुंदन और पर्ल वाली इयररिंग आपको मिल जाती है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, इसमें और भी बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट दिस इयररिंग इज माय हार्ट। मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ये मोतियों का यहाँ पे जो लड़ी, ये यहाँ पे आपको व्हाइट पर्ल्स, ये कुंदन का वर्क, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रिटी इयररिंग है ये। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने दे दिया है। और अगर कुछ पसंद आता है ना, तो जल्दी जल्दी जाके बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जा रहे हैं मीशो के प्रोडक्ट। तो बहुत ही प्यारी सी ये कुंदन इयररिंग्स है, सूट के साथ, साड़ी के साथ, बहुत लहंगा के साथ बहुत ज्यादा स्टाइल कर सकते हो। अगर आप एक बड़ी सी इयररिंग पहन लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक हेवी इयररिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट इयररिंग मैंने लिया है बहुत ही सुंदर सा, और ये पिंजरा स्टाइल जो होता है ना वो है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जैसे कि मैं देख रही थी, बहुत लोगों ने इसको बाय भी किया है, एंड सभी के रिव्यूज भी काफी अच्छे थे, एंड बड़ा साइज में, मुझे तो लग रहा था छोटा आएगा, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं। तो आप ये वाली इयररिंग्स ट्राई करना चाहे तो कर सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। नीचे में व्हाइट पर्ल एंड ये व्हाइट मोती, पूरा कुंदन वर्क, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया का पिंजरा हो वैसा है। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा, आप देख सकते हो कितनी प्यारी है, एंड इसमें आपको ये मोतियों का लटकन भी मिल जाता है, सो दैट आप ऐसे करके बालों में लगा सको। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है, एंड बहुत ज्यादा भारी नहीं है, वेटेड नहीं है, लाइट वेट भी है। तो आप इसको इजिली पहन सकते हो, सूट, साड़ी, लहंगा सभी के साथ स्टाइल कर सकते हो। मैंने इसको बहुत सारे कपड़ों के साथ स्टाइलिंग भी किया है, तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा, मतलब फेवरेट वाला इयररिंग हो गया, काफी अच्छा इसका पैटर्न है, यूनिक सा। नेक्स्ट जो इयररिंग है वो है ये चांद बाली टाइप का, इसको मैंने व्हाइट में लिया है, क्योंकि ये बहुत सारे ड्रेस के साथ चल जाएगा। ये इयररिंग भी बहुत ही ज्यादा, ये भी कुंदन इयररिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट पर्ल एंड कुंदन एडी स्टोन में आपको मिल रहा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, साइज भी बहुत प्यारा है। ये पर्ल जो है वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे आउटफिट के साथ चले जाएंगे, तो ये बहुत ही सुंदर सा इयररिंग है। अगर आप सूट ले रहे हो, तो उस पर पहनने के हिसाब से ये इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसे हैं कि बहुत सारे इयररिंग्स के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो इयररिंग है वो भी एक ये चांद वाली ग्रीन कलर में, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड ये भी बहुत अच्छा है। साइज में तो काफी बड़ा है, पहनने में बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हो। ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है, नीचे का जो ये पर्ल की क्वालिटी है ग्रीन कलर की, वो भी बहुत अच्छी दी गई है, बहुत ही सुंदर सा है, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर कुंदन मोती और पर्ल सभी कुछ इसमें है। तो बहुत ही सुंदर सी इयररिंग है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। हाँ, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया ये इयररिंग, मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे बड़े बड़े इयररिंग्स का शौक है, मेरे पास मोस्टली ज्यादातर इयररिंग्स बड़े साइज में ही हैं, क्योंकि ये ना एक साड़ी हो या फिर सूट हो, बस एक इयररिंग लगा लो और आपको बहुत ज्यादा है एक्सेसरीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बड़े बड़े साइज का इयररिंग्स पहनना। ओकेजनली तो मैं पहनती हूँ, घर में तो मैं वैसे पहनती ही नहीं हूँ, ओकेजनली पहनती हूँ जब कोई पार्टी फंक्शन है या फिर कहीं आना जाना है तभी मैं पहनती हूँ। तो उस समय के लिए ना बड़े बड़े साइज के इयररिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद है। कभी मैं आपको अपना इयररिंग कलेक्शन दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स हो गए हैं, तो बहुत सारे इयररिंग्स हैं और उसमें ये सभी ऐड करूंगी तो मुझे और भी ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अपना इयररिंग कलेक्शन, सोच रही हूँ सूट करने का, अगर मैं सूट करती हूँ तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, नेक्स्ट जो इयररिंग है वो भी एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही ज्यादा वायरल इयररिंग है, एंड रिसेंटली एक सीरियल चल रहा है भाग्य लक्ष्मी, उसमें ये लक्ष्मी ने भी वेयर किया है। तो ये बहुत ही सुंदर सा इयररिंग है एंड काफी ज्यादा वायरल पीस है। ये भी मैंने लिया है मीशो से, बहुत ही दिनों से मेरा मन हो रहा था लेने का, तो वैसे तो मैंने लिया था इसको काफी पहले,
तो बट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मरून एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, व्हाइट एंड ग्रीन पर्ल लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कुंदन वर्क मिल जा रहा है, यहाँ पे पर्ल्स मिल जा रही है, ये बहुत ही सुंदर सा मिल रहा है गोल्ड प्लेटेड में। तो ये बहुत ही प्यारा एंड काफ़ी अच्छा इयररिंग है, ये भी आप बहुत सारे सूट साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो ये इयररिंग भी मस्ट बाय इयररिंग है, और इस तरह के भी, ये भी बड़ा साइज में है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दो रिंग जो कि मैंने इस बार लिए हैं, ऑक्सीडाइज रिंग, एंड ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था पहने, मुझे भी बड़ा मन हो रहा था लेने का एंड लिटरली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और मीशो पे मुझे ये मिल भी गया। तो ये ढोल टाइप का जो मिल रहा है ना आजकल, लटकन लगा हुआ इस तरीके से ढोल टाइप का लंबा, एक रिंग पहन लो और आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ पहनने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये वाली रिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लाइक ये जो लटकन है उसको मैं फिंगर के नीचे की तरफ रखती हूँ, बहुत सारे लोग ऊपर भी पहनते हैं बट मुझे ऐसे पहनना पसंद है, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू वेयर दिस टाइप ऑफ रिंग्स। तो ये इस तरह से लगेंगे, काफ़ी हेवी सा है ना, पूरा उंगली भर जाता है। तो ये एक रिंग है सो काफ़ी अच्छा है, एंड दूसरा है एक ये रिंग, और जो कि आप ऐसे पहन सकते हो, पहला इसमें दूसरा इसमें इस तरीके से। तो ये रिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ऑक्सीडाइज है, थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, एंड सूट साड़ी के साथ आप लहंगा के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कैरी कर रहे हो उसके साथ आप वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहनने के बाद थोड़ा सा यूनिक सा तो लग ही रहा है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड 100-150 के आसपास का पड़ा है मुझे, तो ठीक है, थोड़ा सा यूनिक पीस है। और ऑनलाइन चीज़ें में डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो अगर आप दिल्ली NCR से हो या फिर दिल्ली मार्केट से हो तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, बट हम बिहार में हैं, मुझे ऑनलाइन ही मिलेगा ये सब चीज़, तो थोड़ा सा वेयर तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक इस तरीके से स्प्रिंग ब्रासलेट, और गोल्डन कलर में, इसमें सिल्वर भी आता है, तो बस जस्ट आपको ऐसे करना होता है और ऐसे 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 करके आपको पहनना होता है। तो अभी मैंने बैंगल लगाया है इसलिए मैं नहीं पहन सकती, लेकिन टाइट फिटिंग के साथ आपको ये मिल जाती है, और जो बहुत ज़्यादा लुक आता है गोल्ड में तो और भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चला जाता है, वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, ट्रेडिशनल वेयर, हर टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड आई थिंक मुझे लगता है ना ये एक आपके पास होना ही चाहिए। और हाँ, इसको ना आप प्लास्टिक में रैप करके ही रखना, मैंने इसको खुला छोड़ दिया था क्योंकि ये मैंने थोड़ा पहले ही लिया था, मैंने इसको खुला छोड़ दिया था, इसमें ना जंग लगने स्टार्ट हो गए हैं, एयर के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हमेशा एयर पैक ही रखना चाहिए, प्लास्टिक में पैक करके ही रखना चाहिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को। तो ये भी प्लास्टिक पैक करके ही इसको रखना पड़ेगा, अनबॉक्सिंग वगैरह शूट करती हूँ तो निकल जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक नेकलेस जो कि 100-150 or 200 के आसपास में मैंने लिया था, और ये बहुत ही सुंदर है, ये एक स्टेटमेंट नेकलेस पीस है जो कि आपको इस तरीके से मिल जाती है, बड़ी बड़ी 80 stone में मिल रहा है आपको। इसकी क्वालिटी देख रहे हो आप कितनी अच्छी है एंड फाइन है, सिंपल सा है, जिसे आप सूट साड़ी किसी भी चीज़ के ऊपर कैरी कर सकते हो, चोकर टाइप का है, ये चोकर ही है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दो इयररिंग मिल रहा है आपको इसके साथ, और इसके साथ एक छोटी सी मांग टीका भी मिल रही है आपको, और ये इयररिंग मिल रही है, बहुत ही अच्छा है, सिंपल एंड स्लीक सा, एंड ये बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं है, भारी नहीं है, लाइट वेट है पहनने में। इसके साथ ही मैंने एक चूड़ा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है एंड बहुत ही ज़्यादा आता रहता है स्क्रीन पे, तो मैंने इस बार सोचा एक चूड़ा भी मंगवाऊं, रेड मरून कलर में मैंने लिया है, और इसका जो साइज है वो है 2-6 इस तरीके से मैंने लिया है, 200-250 का है, बहुत ही सस्ता वाला मैंने लिया, इसमें आपको 400-500-600 तक का वेरिएंट भी दिख रहा था बट मैंने अफोर्डेबल प्राइस वाला लिया है। आप देख सकते हो ये ना थोड़ा येलोइश टोन पे है और ये वाइट टोन पे है, तो थोड़ा सा ये मिस कॉम्बिनेशन लग रहा है, रेड पे येलोइश टोन वाला ये दे दिया बीच का, और ये वाइट में है और ये मरून है, जबकि इसको मरून होना चाहिए था, पता नहीं अलग अलग से मैच किया उन्होंने इस वजह से, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू दी प्राइस अच्छा है, आप चाहे तो ले सकते हो, अच्छा ही लग रहा है। आप इसमें और भी बैंगल्स ऐड कर सकते हो साइड से, मोटा वाला, बड़ा वाला, अगर आपको लगाने की नीड है तो, लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है, 200-250 का है, उसी हिसाब से बढ़िया है, 2-6 है इसका साइज, प्लास्टिक का जो चूड़ा होता है वो है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप अभी ले सकते हो अगर लेना चाहते हो। इसमें ना बहुत सारे कलर मिल जाएंगे मीशो पे आपको, बट मैंने मरून में लिया है, रेड में मेरे पास था, बिंदी वाली जो आती है वो, उसका भी लिंक अगर इनकेस मुझे मिला तो मैं दे दूँगी, बिंदी वाली चूड़ा का।
सो जो भी ज्वेलरीज, इयररिंग, रिंग और नेकलेस और जो चूड़ा मैंने आपको दिखाया, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये छोटा सा ज्वेलरी हॉल था, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।